डेली HD न्यूज। जैन श्वेतांबर सोशल ग्रुप इंदौर PM परिवार की मात्र संस्था सोशल ग्रुप फेडरेशन का स्थापना दिवस हर वर्ष 4 जून को मानव सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष फेडरेशन द्वारा पूरे सप्ताह को सेवा सप्ताह के रूप में मनाते हुए अनेक आयोजन किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में जैन श्वेतांबर सोशल ग्रुप इंदौर PM परिवार के तत्वाधान एवं पुष्प मसाले वाले सुराणा परिवार की अगुवाई में बुधवार 1 जून को प्रातः 9:30 बजे अन्नपूर्णा रोड पर महावर नगर में संचालित निराश्रित बच्चों के स्कूल के करीब 85 बच्चों को निशुल्क बैग किट एवं शिक्षण सामग्री का वितरण किया गया। कार्यक्रम का आयोजन उषा नगर स्थित महालक्ष्मी मंदिर परिसर में किया गया। प्रचार सचिव स्वप्निल संचेती ने बताया कि इस दौरान ग्रुप द्वारा सुराणा परिवार के सहयोग से एक अनूठी पहल करते हुए बच्चों को शिक्षण सामग्री बांटने के साथ ही उन्हें शिक्षित करने का भी निर्णय लेते हुए ग्रुप के शिक्षक सदस्यों द्वारा निशुल्क शिक्षा देने की भी घोषणा की गई। इससे बच्चों को स्कूली पढ़ाई एवं व्यक्तित्व विकास में भी मदद मिलेगी। इस अवसर पर बच्चों द्वारा भजन गायन एवं नृत्य की प्रस्तुति भी दी गई। निवर्तमान अध्यक्ष आशीष धारीवाल, सचिव राहुल गिरिया, मनीष बया एवं मानव सेवा संयोजक प्रीतिश जैन, सुरेंद्र सुराणा मुख्य रूप से उपस्थित थे। देखो देखो क्या वो पेड़ है, ज्यादा दूर है या खड़ा है। देखो देखो क्या वो पेड़ है, ज्यादा दूर है या खड़ा है। बारिश आया मन के छेड़ दिए हैं हमारे नए फेडरेशन के अध्यक्ष नरेंद्र जी संचेती द्वारा नई पहल की गई कि हर साल 4 जून को मानव सेवा के लिए मानव सेवा दिवस बनाते थे, इस बार मानव सेवा सप्ताह बनाया। और इसी पहल के अंतर्गत PM परिवार द्वारा ने आज 1 जून को महावार नगर के गरीब बच्चे, असहाय बच्चे जो कि सरकारी स्कूलों में पढ़ते हुए भी उनको सही से हिंदी, सही से अंग्रेजी नहीं आती है, उनके उन बच्चों को लेकर और उन बच्चों को हमारे ग्रुप के जो ग्रुप के मेंबर है सुरेंद्र जी सुराणा पुष्प ब्रांड वाले, उनकी भतीजी और वो उन बच्चों को आगे पर्सनली डेवलपमेंट करा रहे हैं, हिंदी अंग्रेजी अच्छे से सिखा रहे हैं। उसके लिए उन्होंने अपना पुराना ऑफिस उसके लिए दिया हुआ है उन्होंने, और वहाँ पे बहुत बढ़िया कार्य चल रहा है। तो हमने उसी को आगे बढ़ाते हुए उस पुनित कार्य में हम एक छोटे से सहभागी बने हैं, और हमने उन्हीं 85 बच्चों को लेकर महालक्ष्मी मंदिर के वहाँ पर महालक्ष्मी मंदिर के प्रांगण में हमने 85 बच्चों को शिक्षण सामग्री वितरित की है, और उनके साथ इंट्रेक्शन प्रोग्राम किया है, गेट टुगेदर किया है। साथ में उन बच्चों को इंग्लिश से रिलेटेड और जो शिक्षण में उनके बैग्स, उनकी जो शिक्षण सामग्री लगती है वह सब हमने उनको वितरित किए, और हमारे सभी ग्रुप के सदस्यों ने उसके लिए पूर्ण तन मन धन से सहयोग दिया है। हम इस हेतु अर्थदान के अलावा विद्यादान का भी महत्व दे रहे हैं। हम हमारे ग्रुप के सदस्यों के सहायता से वहाँ पे हमारे ग्रुप के कुछ सदस्य वहाँ विद्यादान भी देने जाएंगे, साल भर उन बच्चों को पढ़ाएंगे, थोड़ा सा एजुकेटेड करेंगे। उस हेतु हम उस कार्यक्रम को और आगे बढ़ा रहे हैं। फेडरेशन का स्थापना दिवस है,
और इस अंतर्गत फेडरेशन ने इस बार पूरे वीक सप्ताह मंगा सेवा सप्ताह बनाया है। तो इसी के अंतर्गत पीएम परिवार ग्रुप ने आज 1 तारीख को महालक्ष्मी मंदिर के प्रांगण में इस कार्यक्रम को आयोजित किया था। करीबन 85 बच्चे आए हैं और इन सभी बच्चों को हमने शिक्षण सामग्री भेंट की है और बच्चों के साथ इंटरैक्शन करा। कुछ हमने हमारे ग्रुप के विद्यार्थी भी जो हैं शिक्षक हैं वो भी उनको शिक्षा दान भी दे रहे हैं। तो कोशिश है कि हर तरह से हम इन बच्चों को मदद करें। और सुरेंद्र जी सुराना जो पुष्प ब्रांड के हैं उन्होंने ये उनके ऑफिस में चालू करा है, तो ग्रुप के ही सदस्य हैं तो हमने इसलिए उनको साथ दिया है। और बहुत ही सभी ग्रुप के मेंबर्स को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इस कार्यक्रम में हमको साथ दिया है। आमतौर पर देखा जाता है कि लोग शिक्षण सामग्री का दान तो करते हैं, शिक्षा का दान बहुत कम होता है। किस तरह से समय निकाल कर आपके ग्रुप के जो सदस्य हैं इस कार्य को करने जा रहे हैं? इस कार्य में देखो ऐसे काफ़ी हमने दान तो इस तरह का दिया है, पर पीएम परिवार नई चीज़ भी लेके आ रहा है, हम विद्यादान भी दे रहे हैं बच्चों को। तो कुछ ग्रुप के शिक्षक हैं वो अपना समय निकाल कर इनको शिक्षित करने आएंगे और जितना हो सकेगा हम हमारी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे इन बच्चों को समय देके इनकी प्रतिभा निखारें।